ये लड़की नहाने जा रही थी, लेकिन तभी उस पर एक अजनबी ने हमला कर दिया। फिर उन लोगों ने उसे बोट पर बिठाया और समुद्र के बीचों बीच ले गए और उसे समुद्र के अंदर फेंक दिया गया, लेकिन उसके पैरों को लोहे की जंजीरों से भी बांधा गया था। वो समुद्र की सतह तक आने के लिए संघर्ष करने लगी, लेकिन जंजीरों के कारण वो समुद्र के तल में डूब गई। उसने जंजीरों को उतारने का बेहद प्रयास किया, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ और थोड़ी देर बाद उसकी सांसें रुक गई। लेकिन फिर अचानक उसकी आंखें खुली और वो समुद्र के पानी को निगलने लगी। इसका मतलब वो पानी के अंदर भी सांस ले सकती थी। फिर उसने एक झटके में ही जंजीरों को तोड़ दिया और जल्दी से सुपरसोनिक स्पीड से समुद्र के तट पर पहुंच गई। केलियोप ने देखा कि वो दोनों अपहरणकर्ता अभी भी वहीं पर मौजूद है। वो दौड़कर गई और उनमें से एक का गला घोट दिया और उससे पूछने लगी कि तुमने मुझे क्यों डुबाया। दूसरे आदमी ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन केलियोप ने उसे पछाड़ दिया, पर वो लोग दोबारा उस पर हमला करने लगे। केलियोप ने एक को लात मारी और दूसरे की अंगुली तोड़कर उसे ये बोलने पर मजबूर कर दिया कि उसे कौन मारना चाहता है, लेकिन उन लोगों ने उसे कुछ भी नहीं बताया। जिसके बाद केलियोप अपने घर आ गई और तभी उसे पता चलता है कि वो हवा में भी पानी को रोक सकती है।